हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं हल्द्वानी ख्वाजा फर्नीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो वीडियो हम चैनसा से छुराई करने वाले हैं, चैनसा से छुराई कैसी होती है और किस कैसा छुराई करनी चाहिए। और नए दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि यह आने वाली जो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो व्यूअर्स, शुरू बात करते हैं हम छुराई करना। तो अभी मशीन चलाते हैं, ये देख लिए मैंने ठिया बांध लिया, तो मशीन चलाता हूँ मैं अभी। तो मशीन चला दी हमने और आप देख पूरी वीडियो देखें। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा से जानकारी मिलने वाली है। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम हाथ से छुराई करते हैं तो एक छुराई करनी है कम से कम एक घंटा चाहिए एक फ्रेम को छेदने के लिए, और यहाँ सिर्फ 5 मिनट चाहिए हमें। और इसकी छुराई जो वो काफ़ी अच्छी आती है, सफाई करनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें। तो अभी हम आपको करके दिखाएंगे छुराई और दिखाएंगे आपको छुराई हुई कैसी है। तो देख सकते हैं हमने पूरी फ्रेम में एक बार छेद लेते हैं, पूरी फ्रेम छेद के फिर आपको दिखाते हैं। और ये छुराई जो है माशाल्लाह, अगर हम एक ऐसा मान लो अगर हम 1 रुपये इंच के हिसाब से हम छुराई करते हैं तो ये 5 इंच की फ्रेम हुई, तो हमारी जो इसमें पैसे हुए 15 रुपये बने हैं। और अगर हम हाथ से छेदेंगे तो 1 घंटा लगेगा। अगर 1 घंटे की दिहाड़ी जैसा मानते हैं तो 1 घंटे की दिहाड़ी जो हमारी 87 रुपये बैठती है, अगर 700 रुपये दिहाड़ी देते हैं तो, इसमें आ रहे सिर्फ 15 रुपये और जल्दी भी काम हो जाता है। और ऐसा मान लो बहुत जल्दी जैसे आपको कोठे का कोई काम मिला, बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। चैन से छुराई कराएंगे, लकड़ी मशीन रंदा मशीन में बनवाएंगे और चूल छुराई करा लेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ऐसा मान लो कि आपको दो क्या नाम है 2 दिन में आप कोठी का दरवाजे ठोक सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर हम छुराई करा के काम कराएंगे तो बहुत ही शानदार है। और इसकी छुराई भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 1 रुपये इंच के हिसाब से छुराई करता हूँ मैं। देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको अब बीड्स की जो छुराई हमने कराए हैं वो भी दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। और ये जो एक फ्रेम है हम छेद रहे हैं, सिर्फ आपको देख लो ऐसा मान लो छेदते छेदते हमने दो मिनट होंगे, 2 मिनट में फ्रेम छिज जाती है। इससे अगर हम मजदूर लगा के छुराई कराते हैं तो 1 दिन में समथिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो 10 फ्रेम में छेद के देगा 5 इंच की आपको। और इससे इतनी ज़्यादा सफाई भी नहीं होगी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देख सकते हैं कितनी शानदार छुराई हुई है और माशाल्लाह आपको छुराई की सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरी छुराई हुई है, ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी छुराई है और मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार है। आप सिर्फ कटिंग करो और उसके अंदर ठोक दो पल्ला सीधा ही, ना कुछ निकला पेट उट कुछ नहीं निकला। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है छुराई है। इधर से दिखा दूँ आपको मैं, ये देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं दूसरी फ्रेम की तरफ, ये 3 इंची फ्रेम भी हम छुराई कर रहे हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी साफ सुथरी छुराई है, 3 इंची फ्रेम में आपको मैंने करके दिखा दिया। इधर से देख लो आप, ये 3 रुपये बनेंगे एक छुराई के हमारे, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लेते हम, 1 रुपये इंच के हिसाब से काम करते हैं। तो दोस्तों आइए आप बैंडसा चलाते हैं, बैंडसा की चूल छाई वो सॉरी चूल चीरते हैं बैंडसा से हम, और वो भी आपको दिखाते हैं चूल चीर के। और मेरे साथ में इस सिर्फ के जो गुटके के एक गुटके के हम सिर्फ 4 रुपये लेते हैं एक तब से, अगर 4 इंच का तो दोनों तब का 8 रुपये हो गए। और देख सकते हैं आप जो है गुटकी कटिंग है आप बहुत साफ सुथरी तरीके से कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई आड़े पीछे आड़े भागती नहीं हमारी, बहुत सफाई से काम करते हैं। तो अभी मैं चूल छीर रहा हूँ उसको मैं, ये देखिए देख सकते हैं आप दोस्तों, हम इसका दूसरा प्लेट भी छीर रहे हैं। हम ठिया बांध के एक तब से एक तक भी कटिंग चूल छीर देते हैं फिर दूसरे ठिया बांध के दूसरे तक भी छीरते हैं। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरी चूल हैगी, कोई बड्डा नहीं आगा इससे, पल्ला ठोकने में बहुत ही शानदार लगेंगे आपको।
देख सकते हैं बिल्कुल निशान पे, खत पे चली हमें आ रही, हमारी आ रही। मैं आपको दूसरी चूल भी चीर के दिखाता हूँ अभी, देख सकते हैं ये मशीन हमारी जो है 18 इंची मशीन है की, ये देखिए कोई बड्डा नहीं आगा, कुछ नहीं आगा, बिल्कुल साफ सुथरी चूल चिरुमी है। काफ़ी अच्छे से चूल्हे चिर गई हमारी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि यह आने वाली जो वीडियो सबसे पहले